एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और मैंने कुछ कुछ दिवाली की सफाई करना शुरू किया है। तो मैंने रसोई से शुरू किया। मैं एक बात बताती हूँ आपको, आज जैसे कि 3 तारीख है, 19 को दिवाली है। मैं नहीं चाहती कि जो आखिर के 4-5 दिन हैं, जब मुझे शॉपिंग करनी है, तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं, उस टाइम पर सारा काम एक साथ सिर पर आ जाता है, आप सबको पता है। तो धीरे धीरे सफाई करनी आपको भी मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि अभी से थोड़ा 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 साफ़ करना शुरू करिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा हॉल भी फैला हुआ है क्योंकि सफाई ही चल रही है। मैंने जस्ट अभी सामान लगाया है पूरा, जो भी परचूने का सामान था, लाइक राशन था घर का, तो राशन भी लग गया है। अभी जो काट ये जो है ये मैं बाहर रख रही हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कचरा वगैरह निकलेगा वो मैं इसमें डालूँगी और फिर इसे मैं फेंक दूंगी। जो सुबह हम लोग क्या जो सुबह कचरा उठाने वाले होते हैं वो आ जाते हैं, और वो सुबह 9 बजे तक आप घर के बाहर रख दीजिए, सब कुछ उठा के ले जाते हैं। सो यस, हाँ मैं दिखाती हूँ आपको रसोई के हाल। बिस्किट का पैकेट निकला है, ये काफ़ी ज़्यादा सील गया है, तो ये मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। और ये है रस का पैकेट, और इसमें से हमने एक दो रस खाए थे, और हम जिस शॉप से लाए थे ना, उस शॉप से मैं बचपन से लेती, सोची बचपन से जब मैं 12-13 साल की होंगी तब हम रबी वाले सामान लाते थे मेरी मम्मी और मैं जाके, तो ये वो जो सामान रहता था उसमें स्मेल आती थी, और वही सेम स्मेल उसकी दुकान में ही स्मेल आती, पता नहीं किस चीज़ की। और थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ये, पर मैंने कुछ डब्बे निकाले हैं और इन्हें मैं जल्दी से वॉश करूँगी और एक साइड पर रखूँगी। कुछ डब्बे भी निकाल लिए हैं मैंने पीछे, क्योंकि आपको पता है अभी से करना शुरू करेंगे तो जाके कंप्लीट होगा। अगर आप सिंगल है मेरी तरह, सिंगल मतलब सिंगल काम करने वाले हो, तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी मेड है वो 10 जगह और काम करती है, 10 जगह के लोग उसे और बोलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी बिजी होगी। एक दिन वो आपका काम करवा देगी, पर और दिन क्या। तो जो मेरी मेड है उससे मैं, जो बाकी का थोड़ा बहुत बचेगा उससे तब करवाऊँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं करती हूँ फटाफट काम, ये डब्बे वॉश करती हूँ। सो गाइज, अब वो जो डब्बे हैं मैं उन्हें क्लीन करूँगी और एक जगह पे लगाऊँगी। तो ये मेरी किचन के पूरे डब्बे नहीं हैं, बट ये बड़े बड़े एयरटाइट कंटेनर है जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, और इसमें कहीं बिस्किट, कहीं मुरमुरे की नमकीन और ये सब रखा हुआ था। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो रखी रहती है, आप ध्यान तक नहीं देते हैं। तो मैंने सारा सामान जो है वो अलग कर दिया है, और अब मैं इन्हें वॉश करूँगी। और ये जो है दाल बनाई है मैंने, वहाँ चावल बन रहा है, दाल है वो मेरी हमेशा बाहर आ जाती है कुकर से, तो येलो हो गया। हाँ, तो दाल है जो मेरी हमेशा बाहर आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके जो डब्बे हैं उनमें तेल, आप समझ सकते हैं तेल से ऊपर एक परत आ जाती है, तो आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं आपको। पानी गर्म कीजिए अच्छे से, और एकदम हाई टेम्परेचर पर नहीं, उसमें थोड़ा सा सर्फ डालिए, और जो डब्बे के ढक्कन हैं उन्हें डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी ऑयल से जो बहुत गंदा सा एक परत जम जाती है वो क्लीन हो जाएगी। तो मेरे उन डब्बों पे कोई भी ऑयल की परत नहीं है, मेरे यहाँ वाले डब्बों पे है, वो भी शायद शुगर वाले पे है हल्की सी एकदम, वो मैं क्लीन करूँगी बाद में। बॉल में वो क्लीन नहीं करना अभी, पहले मेरा मेन मोटिव है जिनमें ऑयल जैसा कुछ भी नहीं, जो सिर्फ नॉर्मली वॉश करने जल्दी जल्दी वो साफ़ करने। तो चलिए, क्योंकि वो एक साथ एक के अंदर एक थे, और जो मास्टर के बोला इतने सारे डब्बे थे। सो डब्बे हैं जो मैंने वॉश कर लिए हैं, और वो जो चावल है उसकी गैस सिम पे, और डब्बे उससे काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि गर्म में जलेंगे नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी से। सो डब्बे हो गए हैं, चावल बन रहे हैं, और दाल ऑलरेडी बन गई है। सो इसे वॉश करना, मैं इन सबको हटा रही हूँ बॉल से। बट टेडी बियर तुम कहाँ जाओगे। सो अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन लगाने, क्योंकि साथ साथ कपड़े धुलना भी बहुत ज़रूरी है। सो मैंने पानी लगा दिया, मैं जा रही हूँ अंदर। सो वो लगा दिया है मैंने,
मैं जाके आपको आपको एक चीज़ बतानी थी। मुझे बहुत सारे आप में से आते हैं कमेंट्स, और हर कमेंट कई बार ये होता है कि रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस में आती है जब मैंने वो चीज़ यूज़ करी थी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास इस वैक्यूम क्लीनर की बहुत इंक्वायरी आती है। ये कोई स्पॉन्सर या PR प्रोडक्ट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बहुत आती है, क्योंकि मैंने कई बार इसे यूज़ किया है ब्लॉग्स में, मेरे सोफ़े वगैरह, पर्दे और बोजो के बाल, कंबल से लेके हर चीज़ पे बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। अभी इसमें एक अटैचमेंट है, ये वाली। इसमें मेरे को टोटल 4 अटैचमेंट मिली थी जो मैं आपको दिखाऊंगी, अलमारी में रखी हुई है। तो जो बड़ी अटैचमेंट है वही ब्रश वाली है, उससे जो सोफ़े के बोजो की, जो आप समझ सकते हो उससे कितने बाल झड़ते हैं, मतलब पक्स के साल में 2 बार बाल झड़ते हैं, एक फर्स्ट हाफ साल का और एक लास्ट हाफ, मतलब टोटल 12 महीने आपके पक के बाल झड़ते हैं। अगर आपके पास पग है तो आप समझ सकते हैं मेरी कंडीशन, या आपके पास कोई और डॉग भी है, क्योंकि डॉग्स के बाल झड़ते ही हैं। और बाल आपको निकालने भी नहीं चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, शेव करा देते हैं या ट्रिम करा देते हैं, नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है अगर आप डॉग के बाल ट्रिम कराते हैं तो इन लोगों के पास अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के, जैसा अभी गर्मी हो रही है तो अपने हेयर के थ्रू ही अपनी बॉडी को कूल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है हमसे 1-2 डिग्री ज़्यादा रहता है। अगर इन्हें गर्मी लग रही है तो हमसे 2 डिग्री ज़्यादा लग रही है या 1 डिग्री ज़्यादा लग रही है, और अगर इन्हें ठंड लग रही है तो हमसे कम लगेगी, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो बालों के साथ कभी भी छेड़छाड़ मत करिए, सिर्फ एक ब्रश लीजिए और बालकनी में डेली की डेली जो भी आपका आउटसाइड एरिया है वहाँ पर निकालना शुरू करिए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो सकती है, पर बाल पूरे निकलवाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सो ये इसके बारे में आता है बहुत। सो गाइज, ये मैंने आई थिंक होम शॉप 18 से लिया था, अगर वेबसाइट में चेक करके देखूंगी अगर उसमें अवेलेबल है या नहीं, या शॉप CJ से लिया था। तो अगर मैंने लिया था, और इसके साथ आई थिंक 12-15 वैक्यूम बैग आए थे। वैक्यूम बैग मतलब छोटे से लेके बड़े तक थे, और उसमें जब आप इससे कपड़ा भर के इससे आप सक कर देते जो एयर रहती है, और जो वैक्यूम बैग रहते हैं वो इतने बड़े से इतने पतले हो जाते हैं। तो काफ़ी जैसे ठंड वंड के कपड़े थे मैं वैसे ही स्टोर करती थी वैक्यूम बैग में, अभी भी वैक्यूम बैग में ही है, 1.5-2 साल हो गए इसे यूज़ करते हुए। तो मेरे लिए एक प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम किया है वैक्यूम क्लीनर, एक तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है कैरी करने के लिए, और इसका जो MRP थी वैक्यूम बैग के साथ, वैक्यूम बैग फ्री थे आप सोच सकते हैं, तो वो 2500 या 2000 ऐसा था, बहुत सस्ता था और बहुत अच्छा, मतलब मुझे अभी तक काम आ रहा है, 2 साल हो गए मुझे कोई और वैक्यूम क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, काफ़ी अच्छा पार है और बहुत अच्छे सब कुछ क्लीन हो जाता है, मतलब जो मेरा काम है वो हो जाता है। तो मैं चेक करती हूँ, अगर होगा तो आप भी चेक करिए होम शॉप 18 में या शॉप CJ में, जो TV में आते हैं ना, मैं पहले उनसे बहुत सामान लेती थी, लाइक चादर जैसे चादर, बेडशीट वगैरह बहुत सामान लिया मैंने उन लोगों से। कौन है मुनी? हाँ, उनकी फेशियल किट्स वगैरह सही नहीं रहती है, और जो लिपस्टिक वगैरह ये किट देते हैं, मेकअप किट मत लीजिएगा उनसे, वो लोग जो बेचते रहते हैं ये वो। ज्वेलरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है, मेरी मदर इन लॉ ने ज्वेलरी ली थी शॉप CJ से, और कुछ खास ज्वेलरी नहीं थी। सो इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और कोई डब्बा गिर गया है। लोगों ने लंच कर लिया था, वो लंच करके चले गए, मेरी इच्छा नहीं हो रही आज लंच करने की इतनी, तो मैंने बहुत ही कम, मैंने सिर्फ दाल खाई है, मतलब सिर्फ दाल, और मैं अभी पायल साफ़ कर रही हूँ अपनी, क्योंकि आई थिंक मैं ये 1 साल में एक बार ही पहनती हूँ दिवाली और करवा चौथ में। तो ये 3 जोड़ी पायल हैं जो मैंने अपने पास रखी हुई हैं, इसमें एक लाइट है, एक मीडियम है और एक हैवी है, तो 3 पायल अभी मेरे पास हैं, और ये ऐसी हो गई थी जैसे लोहा होता है ना, हर साल यही होता है, तो फिर मैं इसे हर साल साफ़ करती हूँ, तो मैंने ये इस पे लगा दिया है जो साफ़ करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए होता है। सो ये एक तरह का DIY है पायल के लिए, चांदी के लिए, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने क्या किया है, इसकी अच्छी सी वीडियो भी शूट कर ली, लाइक 2-4-5 मिनट की, और वो पहले आ जाएगी, पीछे गाना बज रहा है, हाँ, तो वो आ जाएगी सुबह। तो मुझे पहले लगा कि इसी में बताती, फिर मेरे को लगा यार और डिटेलिंग में बता देती हूँ, तो उससे क्या होगा ना, ब्लॉग में तो अच्छे से पता नहीं चलता, प्रॉपर वीडियो से ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, तो मैंने उसकी वीडियो ही शूट कर डाली, मेरे को लगा वीडियो ही कर लेते हैं, तो मैं वही थंबनेल वगैरह और शूट कर रही थी, आधी फ़ोन से करी है, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड है वो बीच वाले रूम में रखा है, तो इससे मैंने आधी वीडियो शूट करी है और आधी मैंने फ़ोन से शूट करी है। वो दोनों इतना परेशान करके रखा है, आपको बता नहीं सकती,
इतना हल्ला, इतना ये, इतना वो, आज काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। मैं तब से लगी हुई हूँ, आधा काम दिखा पा रही हूँ, आधा नहीं दिखा पा रही हूँ। आज मेरे बाल ऐसे ही बंधे हुए कहीं कहीं से निकल रहे हैं। सो मैं लिप बाम लगाया और कुछ नहीं किया सुबह से, मेरे कुछ भी नहीं किया है, बस वीडियो शूट हो रही हैं और सफाई वफाई चल रही है। सो आप देख सकते हैं उस साइड बोलो सो रहा है बोनी। सो मैं बना रही हूँ अभी ग्रीन टी। मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये लेमन और तुलसी ग्रीन टी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मुझे बहुत पसंद आ रही है अभी। मतलब इसे कल मैंने पिया था और मुझे इतनी रिलैक्स हो गई मैं, और ग्रीन टी पी के सो गई सोचिए। और ये वाली टी है स्लीप सॉल्व्स एवरीथिंग विद अ स्वीट ड्रीम टी। टी ट्रेजर, दोनों टी ट्रेजर की तरफ से, बट ये वाली मेरे से पी नहीं जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही ओवर हर्बल है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हर्बल है। सो मैंने पानी गर्म कर लिया है, अब मैं ग्रीन टी डाल के 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ और फिर मैं आपको अपनी पायल दिखाती हूँ। चलिए मैं आपको अपनी पायल दिखाती हूँ। मेरी पायल जो है ना, जो पायल मैंने साफ़ करी है वो एकदम चमक गई है, लाइक एकदम। ये देखिए ऐसा लग रहा है नई परचेस करी है, लग रहा है नई परचेस करी है। ये वाली देखिए एकदम साफ हो गई सीरियसली। ये काम भी मुझे करवा चौथ से पहले ही करना था, मुझे करवा चौथ में पायल लगेगी, इसलिए हाथ के हाथ ये काम भी हो गया, वीडियो भी सूट हो गई है। गर्मी बहुत हो रही है, मैंने वीडियो को एडिटिंग के लिए अपलोडिंग पे लगा दिया, आप देख सकते हैं। कल की वीडियो में ये मत सोचिएगा कि लाइट का कोई अंतर है। मैंने ISO 400 रखा है जब पायल क्लीन करी है और जब पायल अपने बिना क्लीन वाली है, कि ऐसा लगता है सबको, ये लगता है, आप देख लीजिए, वैसे नहीं लगेगा आप लोगों को क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ। पर मैं पहले ही बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लाइट बढ़ा दी जाती है तो चीज़ें ज़्यादा चमकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 400 ISO में जब पायल गंदी थी तब शूट करी है और 400 में ही जब पायल साफ़ हो गई है तब शूट करी है। सब कुछ ओरिजिनल है इस वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। अब तो चांदी का सामान लगना ही है त्यौहार में, और चाहे वो लक्ष्मी पूजन हो, चाहे वो करवा चौथ हो, हर जगह हर टाइम लगना ही लगना है। तो अभी बहुत गर्मी लग रही है, खाना खाने की मेरी इच्छा ही नहीं, आपको पता है। मैंने 4 स्पून चावल खाए हैं, 2 ब्रेड खाई हैं बस सुबह ब्रेकफास्ट में, मेरे से कुछ नहीं खाया जा रहा आज। और अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ। हस्बैंड जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं चलते हैं घूमने, उन्हें पूरा टाइम घूमना है। घूमना इन द सेंस हम लोग एक चक्कर मार के आ जाते हैं और साथ में कुछ बातें भी हो जाती हैं। ऑल्दो जो ब्लॉग है वो चलता ही रहता है मेरा, क्योंकि ब्लॉग पूरे दिन का होता है, इसीलिए ब्लॉग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक घंटे में ख़त्म हो जाए, तो पूरे दिन चलना है ब्लॉग। तो चलिए ग्रीन टी पी जाए। बोनी ने मेरा गद्दी गिरा दी है, सॉरी बोजो ने मेरा दिल गिरा दिया है। बोजो के फ्रेंड आए हैं, बोजो तुम्हारे दोस्त आए हैं। हाँ कौन आए हैं, कौन है? मेरे फ्रेंड आए हैं, फ्रेंड दरवाज़ा खोल दो, मैं दाल आऊँ। खोल, चलो दरवाज़ा खोल देते, बोजो के दोस्त आए हैं, चलो जाओ। तो बालकनी बिजी हो गया है अपने दोस्तों के साथ, वो उनसे वार्तालाप कर रहा है। आना है तुम्हें? He's not interested. वो पता नहीं क्यों सोफे पे चढ़ता है और गद्दियाँ गिरा देता है भौंकने से पहले। ये विंडोज़ भी साफ़ होनी है गाइस, इतना काम कौन करेगा, मुझे तभी से इतनी टेंशन हो रही है। काम नहीं आ रहा ना, आने को तैयार नहीं है। मुझे भौंकता है तो ऐसा लगता है कि कोई डरेगा ही नहीं उससे। आजकल पता है जंगली डॉगीज इतने आ गए हैं ना, मतलब ये स्ट्रीट डॉग्स इतने आ गए हैं कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं और वो इतनी ज़ोर से भौंकते हैं, आप 4 बजे 3 बजे रात के आके यहाँ पे इतना हल्ला मचाते हैं, बोझो हल्ला मचाता है। आपको पता है रात में इतना डिस्टर्ब करते हैं ना आज के लिए, पूछिए मत। चलिए मैं जा रही हूँ तैयार होने,
ये आ जाएंगे और फिर वो बोलेंगे तैयार नहीं हुई, मैंने इतनी देर पहले कहा था। तो भौंक के आई हूँ मैं, बना भौंक के आई हूँ, मेरे को बड़ा परेशान करते हैं आज कल, मैं बता रहा हूँ ना, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से, मैं भागने वाला हूँ, बच दो चार दिन में अपने दोस्तों के साथ भागने वाला हूँ मैं। अब मैं गया हूँ थक, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद दोबारा जाऊँगा, ये बस थोड़ा सा रेस्ट हो जाए बच, थोड़ी मछाज भी कर दूँगी तो अच्छा रहेगा, वरना फिर लात में उठ के काट लूँगा मैं। अब मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मेरे दोस्त आएंगे तो मैं एनर्जी दोबारा से मेरे पास आ जाएगी, मैं भौंकने जाऊँगा। क्या कह रहे थे बोलो? वो कह रहे थे कि रात को 3 बजे खेलने आ जाना, तुमने क्या कहा? मैंने तो ये कहा कि मैं चुपके थे ना बालकनी से कूद के आ जाऊँगा, मैंने नई छीड़ी भी ले ली है। छू छीट या छू छीट अभी भी बना लिया तुम्हें? नहीं, मैंने बोला रात को खाना, मैंने बोला मैं रात में खा पी के आऊँगा, अभी नहीं क्योंकि अभी फिर भूखा ले जाऊँगा ना, फिर एनर्जी नहीं लाएगी मेरे अंदर। आज मेरे को ग्लूकोज ही पिला देना थोड़ा सा, ओके 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 ओके। तैयार, मैंने आज ये पहनी है शर्ट जो आई थिंक मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी है, और ये रोमवी की है, रोमवी से आई थी, हाँ याद आ गया, शीन की नहीं है, रोमवी की है। हाय, सो मयंक जी, आज मेरी ना रसोई से मैच खा रहे हो तुम? देखा, दिखाती मैं आपको, ठीक है? आज तुम सोचो ऐसा लग रहा है कि तुम कबड्डी हो और कबड्ड के ऊपर मुँह लगा हुआ है, कबड्डी। सो चलिए चलते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं शूट करूँगी, और कुछ नहीं होगा तो ऐवे अगर आ जाती तो समझ लीजिए कुछ ऐसा था नहीं। कौन सा गाना गाते हो तुम? कुछ नहीं होता है, वो हल्ला कर, आजकल कुत्ते बहुत हल्ला करते हैं, लड़ते रहते, पता है वो उनकी एक गर्लफ्रेंड है, वो 5 लोग उसके लिए लड़ते हैं। सो अभी हमें सीन समझ में आया कि वो क्यों लड़ रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में। बोलो तुम बालकनी में क्या कर रहे हो? तो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो सब लड़ते हैं। बोलो पप्पा, बोलो पप, ओह नो। तो ये मुझे कहाँ लेके गए थे? टी ओ वीडियो बना पूरी के टी डेट पे गए थे। मैंने सोची ग्रीन टी पी थी कि मैं टी ना पीऊँ, उसके बाद भी ये है ना, ऐसा मैंने सोचा था। छो ना हीरे नहीं है, चांदी की पायल है जो मैंने साफ करी। बोधो को पता है पायल बहुत पसंद है, अगर आप पैर में हो ना, अगर उन्हें पैर में पहनी है, मतलब पैर में ही पहनोगे, अगर आप पहन के पायल घूमोगे तो बोधो आप पे घुंघरू काटेगा, मतलब आपको छोड़ेगा नहीं, वो आप पे घुंघरू जब तक काटेगा जब तक कि वो आपको इरिटेट ना कर दे और घुंघरू पायल से अलग ना कर दे। पता नहीं क्या टेस्ट आता है उसे। बोधो भाग गए, उसे शूट करना चाहती थी मैं। अभी मैं जाऊँगी कुकिंग जोन की वीडियो शूट करने, ब्यूटी हाँ कितनी वीडियो मेरे पास, आज 3 एडिटिंग है, एक ब्लॉग की, एक और सुबह की ब्यूटी जोन में जाएगी वीडियो वो, और एक फिर कुकिंग जोन की। तो सबसे पहले मैं आलू उबालने रख दूँ, जो डिश मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू की ज़रूरत है, उसके बाद फिर मैं चेंज करूँगी और फिर हम कलवर आ रहा है। सो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कुकिंग जोन की वीडियो, तो ये जो शूटिंग पार्ट है ये नहीं हो पाएगा क्योंकि कुकिंग जोन की वीडियो हो रही है रिकॉर्ड, जो आपको मिलेगी कल। यस, कल। और पीछे मूवी चल रही है, तो चलिए मैं शुरू करती हूँ जल्दी से क्योंकि फिर हम लोग लेट हो जाएंगे। वीडियो की तैयारी हो गई है, मतलब आपको दिखाती हूँ कितनी तैयारी होती है कोई कुकिंग वीडियो शूट करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं जो जो लगने हैं, और ये आलू, मतलब यहाँ पे आलू है, मुझे जल्दी से छीनने और मैं शुरुआत कर रही हूँ। और ये छोटा सा सनमाइका है, ये छोटी सी जो अलमारी के टाइम बची थी, मेरे पास रेड भी है वाइट भी है, तो मैं वाइट यूज़ करती हूँ कि जो वाइट है वो अच्छे से फोकस करती है, मतलब जो मटेरियल रहता है, इंग्रीडियंट्स रहते हैं, वो वाइट पे थोड़े अच्छे से उठ के आते हैं, तो सिर्फ इसी से शीट काट के रखी उसे मेरा काम हो जाता है। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ रिकॉर्डिंग क्योंकि अब भूख लग रही है, कुकिंग वीडियो शूट। और इसे मैंने लगा दिया, मेरा हल्का सा काजू फैल रहा है, सो इसे मैंने लगा दिया है, और ये इंग्रेडिएंट्स हैं उसने कैप्चर कर रहा है, आप देख सकते हैं। सो ये इंग्रेडिएंट कैप्चर कर रहा है, उस बीच में अपना बैटर भी कर लेती हूँ और कढ़ाई रख देती हूँ जल्दी से कि जल्दी जल्दी खाना बनता रहे,
क्योंकि जो मेरा ये रेड वाला है वो यहाँ पे है और जो मेरा वाइट वाला है वो मुझे मिल नहीं रहा है और वो बहुत ज़्यादा लूज है, मतलब काफ़ी हिलता है। वो मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था यहीं से, ये ऑनलाइन ख़रीदा था, इसकी लिंक नहीं मिल रही है मुझे क्योंकि मुझे दोबारा परचेज़ करना है, इसे दो तीन और करूँगी परचेज़। ये 400 समथिंग का था और जो यहाँ से लोकली परचेज़ किया था वो 200 का था, तो 200 वाला माल लोकली, ये बिल्कुल नहीं हिलता फ़ैन वैन चलाने पे, उसे फ़ैन चला दोगे आप तो ऐसे ऐसे हिलेगा, मतलब पूरी जो वीडियो है वो शेक होती है। तो चलिए ये हो रहा है और मैं देखती हूँ उसकी लिंक वगैरह मुझे चाहिए हैं दो तीन, कि शूट होते होते बहुत सारी जगह पे मैं मोबाइल लगा लूँ। तो आज मैंने जैसे कि आपको बोला कि तीन वीडियो एडिटिंग पे है मेरी रात में, और मेरी जो ब्यूटी जोन की 11 बजे वाली वीडियो जो एकदम न्यू पैटर्न में है, जो मैंने एकदम नए तरीके से की, मतलब एकदम न्यू इंट्रोडक्शन है वो है कोई वीडियो का। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए होगी तो ज़रूर उस वीडियो को लाइक करिएगा। तो ये पूरी क्लीनिनेस के हिसाब से फिर जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैं बताती जाऊँगी आपको, जो मैं करती हूँ वही बताऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि वो काम करता है, तो वो ही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो वो वाली जो वीडियो है वो मैंने एडिट कर ली थी और उसके बाद मैंने उसे अपलोड करके सेव करके शेड्यूल भी कर दिया है 11 बजे के लिए, तो वो शेड्यूल हो गई है। अभी कुकिंग जोन की वीडियो की फाइल्स अपलोड हो रही हैं, ये देखिए। सो अभी कुकिंग जोन की वीडियो की फ़ाइल अपलोड हो रही हैं और इतना सा बचा है, ये बस इतनी अपलोड हो जाए उसके बाद मैं एडिटिंग शुरू कर रही हूँ कुकिंग जोन की। सो फिर मैं कुकिंग जोन की एडिटिंग करूँगी और उसके बाद ये ब्लॉग एडिट करूँगी। तो एक एडिटिंग कम से कम आधा घंटा लेता है, एक घंटे, और जो कुकिंग जोन की वीडियो है वो ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि वॉइस ओवर ऐसा रहता है कई बार कट जाता है बीच में से, कई बार प्रॉपर नहीं होता, कई बार आप एकदम प्रॉपर कर देते हो उसे और बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसे फिर आधा दोबारा से करो। तो ये मतलब वॉइस ओवर वाली वीडियो मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे लिए वॉइस ओवर वाली बहुत परेशान है। ब्लॉग्स तो कंटिन्यूटी में जाते हैं, ब्लॉग्स आपकी डेली लाइफ भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसे ज़्यादा एडिट करना पड़ता है, कई बार ऐसा रहता है कि उसे थोड़ा बहुत ही एडिट करना पड़ता है, पर देखना पूरा पड़ता है उसे। और रात में एक बार हुआ था अभी बीच में ही, जो अष्टमी का ब्लॉग है उसमें एक क्लिप बिना एडिट होकर चली गई थी और वो मतलब उसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में म्यूज़िक के साथ जाना था, उसके बाद आप में से किसी ने बताया और उसे मैंने वहीं की वहीं यूट्यूब एडिटर से एडिट किया। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, इसलिए ब्लॉग भी पूरा, अगर आधे घंटे का शूट हुआ है तो आधा घंटा आपको ब्लॉग देखने में लगेगा, आप आधा घंटा तक ब्लॉग देखोगे क्योंकि आप एडिट करते रहोगे ब्लॉग देखते रहोगे, तो आपको आधे घंटे के ब्लॉग के लिए कम से कम 45 मिनट्स लगेंगे एडिटिंग के लिए, आधा घंटा लगेगा उसकी सेविंग के लिए, तो टोटल 1.5 घंटा। और अभी जैसे ये कुकिंग जोन है ये आधे घंटे की वीडियो शूटेड है और इसे एडिट करने में आधा घंटा तो वैसे लगेगा ही लगेगा, कैप्शन डालने में हर चीज़ में आप मान के चलिए 1 घंटा ऐसे एडिट करने में लगेगा और सेव होने में, क्योंकि छोटी वीडियो आएगी कम से कम 5-6 मिनट की, तो सेव होने में 5 मिनट लगेंगे, मतलब वो कम हो गया, तो मतलब 1-1.5 घंटा आपको वीडियो एडिट में लग ही जाता है। और जिसमें मैंने अभी नया एडिटर लिया है और ये पुराने से ही कर रही हूँ, नया लिया है पर उसको भी सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे, तो एक बार उसे सीख जाऊँ उसके बाद मैं उससे भी करना शुरू करूँगी, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि जैसे आप नए पे काम करना शुरू करते हो तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो बस यही सब चीज़ें हैं, आज का दिन इतना बिजी था, सुपर बिजी। अभी कुछ कपड़े जो मैंने कल आज सुबह डाले थे आप लोगों के सामने, मशीन लगाई थी, वो अब मैं जाके सुखा के आई हूँ तब से, तो मुझे नींद भी आ रही है बट काम भी करना है। कुकिंग जोन नहीं हो पा रहा था, अब मैंने सोचा है कि रात का डिनर मतलब कुकिंग जोन की वीडियो, तो डिनर में अगर कुछ बहुत ही फ्राई बन रहा है तो मतलब फ्राई अगर मैं कुकिंग जोन के लिए शूट कर रही हूँ तो डिनर में अलग से 6-7 बजे बना के रखूँगी। सो गाइस यही था मेरा आज का दिन, और इसमें डब्बे वगैरह जो भी क्लीन किया मैंने, पायल भी क्लीन कर ली, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग का काम भी चल ही रहा है साथ साथ में और वीडियो का काम तो चल ही रहा है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लाइक नहीं करते वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करिए क्योंकि यू नो बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक आपका मिलेगा तो अच्छा लगेगा, और अगर पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ तो करिए। और लाइक के पैसे नहीं मिलते हैं और वीडियो के व्यूज़ के भी पैसे नहीं मिलते, जो एड्स चलती हैं उनके पैसे मिलते हैं और वो भी रेट डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा मिलते हैं कभी कम मिलते हैं। सो यस,
सो गाइस फाइनली इस व्लॉग को मैं एंड करूँगी क्योंकि मुझे काम करना है, वरना मैं चप्पर चप्पर करती रहूँगी आप मुझे जैसे कि जानते हैं, क्योंकि मैं पकड़ पकड़ शुरू करूँगी, चप्पर चप्पर शुरू करूँगी, तो मैं चप्पर चप्पर शुरू करके रखूँगी। सो फाइनली इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और रिक्वेस्ट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।